चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां ललिता अपने पति राकेश और दो बेटी रीमा और सीमा के साथ रहती थी। ललिता अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करती। एक दिन रीमा और सीमा अपनी माँ ललिता से कहती हैं, माँ हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना कहीं घूमने चले। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। हाँ मेरी बेटियों, हम घूमने चलेंगे, पर मैं पहले तुम्हारे पापा से पूछ लेती हूँ। वह शाम को आएंगे तो मैं उनसे बात करती हूँ। चलो पहले तुम दोनों खाना खा लो। और फिर ललिता अपनी दोनों बेटियों को खाना खिलाकर सुला देती है। इधर राकेश रोज की तरह आज भी शराब पीकर आता है। आप समझते क्यों नहीं हो, हमारी दो दो बेटियां हैं और तुम रोज शराब पीकर आते हो। वो रीमा सीमा घूमने की जिद कर रही हैं। आप कहो तो मैं उन्हें घुमा लाऊं कल। मेरा दिमाग खराब मत कर, एक तो दो दो बेटियां पैदा की और अब तो इनकी ख्वाहिशें पूरी करने की बात कर दी है। पैसे कहां से आएंगे, तेरे बाप के घर से। इतना कहकर राकेश ललिता को धक्का दे देता है। ललिता का सिर दीवार में लगने के कारण ललिता मर जाती है और फिर ललिता एक चुड़ैल बन जाती है। ललिता के मरते ही राकेश दूसरी शादी कर लेता है ताकि उसकी दूसरी पत्नी से उसे बेटा मिल जाए। राकेश की दूसरी पत्नी रीमा और सीमा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उनसे नौकरों की तरह घर का सारा काम कराती, उनका स्कूल भी बंद करा देती है और उनकी कोई भी बात नहीं सुनती, ना ही उन्हें कुछ ला कर देती है। एक दिन राकेश की दूसरी पत्नी विमला मार्केट जाती है और रीमा सीमा से कहती है, अरे ओ रीमा सीमा, मैं मार्केट जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ घर का सारा काम हो जाना चाहिए। अगर मुझे काम हुआ नहीं मिला तो मैं तुम्हें शाम को खाना नहीं दूंगी। हाँ हाँ माँ, हम घर का सारा काम कर लेंगे। माँ आप मार्केट जा रही हो तो अगर हो सके तो हम दोनों के लिए आप लहंगा ला देना, हमारा बहुत मन हो रहा है लहंगा पहनने का। हमारी माँ थी तो वो हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाकर देती थी, क्यों ना माँ आप भी हमें लहंगा लाकर दे दो। महारानी की फरमाइशें तो देखो, पैसे क्या तुम्हारी माँ देगी, जाओ यहाँ से। इतना कहकर विमला मार्केट चली जाती है और इधर रीमा और सीमा अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर बहुत रोती है। माँ आप हमें छोड़कर क्यों चली गई, ना तो पिताजी हमें प्यार करते हैं और ना ही हमारी दूसरी माँ हमें प्यार करती हैं। हमारा हाल तो नौकरों की तरह हो गया है। रीमा और सीमा को रोता हुआ देख वहाँ ललिता चुड़ैल आ जाती है और उस चुड़ैल को देख रीमा और सीमा घबरा जाती है। घर में अकेले होने के कारण वो चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। रीमा सीमा मेरी बेटियों, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें इस मुसीबत में देखते हुए चैन से मर भी नहीं पाई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। और फिर रीमा और सीमा ललिता चुड़ैल से लहंगे मांगते हैं। ललिता उन्हें दो जादुई लहंगे देती है और उनसे कहती है, रीमा और सीमा ध्यान से सुनो, मैं चुड़ैल बन गई हूँ, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि मैं चुड़ैल बन गई हूँ और मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ माँ, हम किसी को भी नहीं बताएंगे आपके बारे में। और फिर ललिता चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ विमला आ जाती है और रीमा और सीमा के पास इतने महंगे लहंगे देख उनसे बोलती है, अरे ओ कलमूही, इतने महंगे लहंगे तुम्हारे पास कहाँ से आए, कहीं तुमने मेरे पीछे घर में चोरी तो नहीं की, बताओ वरना मैं तुम्हें अभी मारूंगी। विमला को मारते देख वहाँ रीमा और सीमा की माँ ललिता चुड़ैल आ जाती है। ललिता चुड़ैल रीमा और सीमा को तो दिख रही थी पर विमला को नहीं दिखती है। जिस डंडे से विमला रीमा और सीमा को मार रही होती है उसी डंडे से ललिता चुड़ैल विमला को मारने लगती है। अपने आप डंडा चलता हुआ देख विमला बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और बोलती है, कौन है, मुझे क्यों मार रहे हो। मुझसे पूछ रही हो क्यों मार रही हूँ, तू इन मासूम बच्चों को क्यों मारती है, इन पर इतना अत्याचार क्यों करती है। अगर तूने मेरे बच्चों पर अत्याचार किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, माफी मांग इनसे। राकेश जी मुझे लगता है हमारे घर में कोई काली शक्ति है। अरे विमला तू पागल हो चुकी है, चल तेरे कहने पर मैं पहाड़ी बाबा को बुलाकर लाता हूँ। और फिर राकेश पहाड़ी बाबा को
अपने घर लेकर आता है और सारी बात बता देता है। कौन है घर में और इन्हें क्यों परेशान कर रही हो? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर दूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? मुझे तो इस राकेश ने पहले ही मार दिया है और अब इसकी पत्नी मेरी बेटियों को इतना परेशान करती है, इन्हें मारती है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम? मैं ललिता हूँ, राकेश की पहली पत्नी। इसने मुझे धक्का देकर मार दिया था। मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ से अपनी दुनिया में चली जाऊंगी, पर उससे पहले राकेश और उसकी दूसरी पत्नी विमला को, मेरी बेटियों को अपनाना होगा और उस पर अत्याचार करना बंद करना होगा। ललिता, हम इन्हें अब कोई भी परेशानी नहीं देंगे, हमें माफ कर दो। ललिता, हम इन्हें अब कोई भी परेशानी नहीं देंगे, हमें माफ कर दो। जिसके बाद ललिता चुड़ैल अपनी दुनिया में वापस चली जाती है और इधर राकेश और विमला रीमा और सीमा को प्यार से पालने लगते हैं। सीमा अपने शराबी पति विनोद और अपनी छोटी बेटी माया के साथ रहा करती थी। विनोद आए दिन नशे की हालत में घर आता और अपनी बीवी बेटी को मारा पीटा करता था। ऐसे ही एक दिन विनोद नशे की हालत में घर आता है और अपनी पत्नी और बेटी को मारने लगता है। अपने पति का अत्याचार सह सह कर सीमा थक जाती है और जब विनोद सो जाता है तो आधी रात को वो अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर निकल जाती है। सीमा काफी दूर एक जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद माया डरने लगती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो सिर्फ घना जंगल है। बेटा तू डर मत, तेरी माँ है ना तेरे साथ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हमने बहुत सह लिया तेरे पापा का अत्याचार, अब और नहीं सहेंगे, हम कहीं दूर जाकर रहेंगे। इतना बोलकर सीमा हिम्मत बांधकर अपनी बेटी के साथ जंगल के अंदर चली जाती है, जहां उसे तरह तरह की डरावनी आवाज सुनाई देती है। पर फिर भी सीमा नहीं डरती और आगे बढ़ती जाती है। जब सीमा जंगल के बीचों बीच आ जाती है तो उसे एक चीज चमकती हुई नजर आती है। सीमा उस चमकती हुई चीज के पास जाती है तो वो देखती है कि वहां एक लहंगा रखा हुआ है जिस पर सोने चांदी का काम हो रखा है। और इतना महंगा और सुंदर लहंगा देखकर सीमा बोलती है, इतना सुंदर और महंगा लहंगा यहाँ पर इस शमशान जंगल में ये किसका हो सकता है? माँ यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, मैं देखती हूँ यहाँ पर कोई रहने का इंतजाम मिल जाए या कोई घर मिल जाए। इतना बोलकर सीमा एक बार फिर उस लहंगे को देखने लगती है और उसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि सीमा उस लहंगे को लेने की सोचने लगती है और खुद से बोलती है, लहंगा बहुत ही महंगा है और सुंदर है, इस पर जो काम हो रखा है वह भी सोने और चांदी के तारों से हो रखा है। अगर मैं इसे कल सुबह मार्केट में जाकर बेच देती हूँ तो मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। इतने पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे जिससे कि मैं अपनी बेटी को एक वक्त की रोटी खिला सकूं। इतना बोलकर सीमा उस लहंगे को ले लेती है और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिसके बाद उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आती है और सीमा रात गुजारने के लिए उस कुटिया के अंदर चली जाती है और उस लहंगे को नीचे रखकर अपनी बेटी के साथ सो जाती है। सीमा के सोने के बाद आधी रात को माया की आंख खुलती है और वो देखती है वो लहंगा एक जादुई भूतिया लहंगा बन गया है जो कि उससे बात कर रहा है। बड़े दिनों के बाद मुझे दो इंसान मिले हैं। अब मैं तुम्हारा खून पीकर मैं और भी सुंदर हो जाऊंगा और शक्तिशाली भी। माया भूतिया लहंगे की बात सुनकर डर जाती है और चिल्लाते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ माँ यहाँ से चलो, ये भूतिया लहंगा है, ये हम दोनों को मार डालेगा। माँ क्या हुआ मेरी बच्ची, लगता है तूने कोई बुरा सपना देख लिया, आजा तुझे लोरी सुनाकर सुला देती हूँ। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये एक भूतिया लहंगा है। ठीक है बेटा, मैं तेरी बात पर विश्वास कर रही हूँ, पर तू अभी सो जा, मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। कल सुबह होते ही हम यहाँ से इस लहंगे को लेकर चले जाएंगे और बाजार में बेच देंगे।
सीमा जैसे तैसे माया को चुप करवा कर सुला देती है और अगली सुबह होते ही जंगल के अंदर अपनी बेटी के खाने का इंतजाम करने लगती है, जिसके बाद जंगल में उसे कुछ फल के पेड़ मिलते हैं और वो उनसे फल तोड़कर अपनी बेटी को खाने के लिए दे देती है और एक बार फिर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता और रात हो जाती है। हार मानकर सीमा को फिर से उसी कुटिया में अपनी रात गुजारनी होती है। एक बार फिर से माँ अपनी बेटी के साथ सो जाती है। सीमा के सो जाने के बाद वो भूतिया लहंगा माया को उठा लेती है। तभी सीमा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो लहंगा सच में एक भूतिया लहंगा है और उसने उसकी बच्ची को पकड़ रखा है। ये देखकर सीमा डर जाती है और बोलती है, कौन हो तुम? मेरी बच्ची को छोड़ो। मैं एक भूतिया लहंगा हूँ और मैं तुम दोनों का खून पीकर और भी सुंदर हो जाऊंगा। बहुत दिनों बाद मुझे इंसान मिले हैं। आज बहुत दिनों बाद मुझे इंसानी खून पीने को मिलेगा। इतना बोलकर वो जादुई लहंगा खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी सीमा मौका का फायदा उठाकर कुटिया से बाहर भागने लगती है। लहंगा उन दोनों का पीछा करता है और सीमा माया के साथ भागती भागती एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है, जहां वो देखती है पेड़ के ऊपर दो और लहंगे लटके हुए हैं। वो डर जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये कैसा मायावी जंगल है। यहाँ तो लहंगे में भूत है, इन सबसे कब छुटकारा मिलेगा। अब मैं इन दो और भूतिया लहंगों से अपनी और अपनी बेटी की जान कैसे बचाऊं? हे प्रभु, अब तू ही मेरी मदद कर। तभी वो दोनों भूतिया लहंगे सीमा से बोलते हैं, सही कहा तुमने, हम भूतिया लहंगे जरूर हैं, पर हम उस भूतिया लहंगे की तरह बुरे नहीं हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम चिंता मत करो और डरो मत, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद भूतिया लहंगा सीमा और माया को पेड़ पर बैठा देते हैं और जैसे ही दुष्ट भूतिया लहंगा आता है, वो दोनों जादुई लहंगे मिलकर उस भूतिया लहंगे का सामना करते हैं और उससे बोलते हैं, आकर तू हमारे जंगल में आ गया दोस्त। सुन भूतिया लहंगा, अब तू इन बेकसूर की जान नहीं ले पाएगा और ना ही हमसे बच पाएगा। तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इन दोनों का खून पीकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों अच्छे भूतिया लहंगे बुरे भूतिया लहंगे पर पहला प्रहार करते हैं और इस तरह से उन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ना कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है, इसी तरह से वो दोनों अच्छे भूतिया लहंगे मिलकर उस दुष्ट लहंगे से लड़ते हैं और उस दुष्ट लहंगे का खात्मा कर देते हैं। वो भूतिया लहंगा जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद भूतिया लहंगा सीमा और माया से बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें खाने के लिए खाना और रहने को घर देंगे और इस जंगल से निकलने का रास्ता भी बताएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? आज आपकी वजह से मैं और मेरी बेटी बच पाए हैं। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, शायद तुम्हारी ही जान बचाने के लिए हम दोनों इस जंगल में कैद हो गए थे, पर अब हम तुम्हारे साथ इस जंगल से आजाद हो जाएंगे। हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहे हैं, हमें अपने साथ ले चलो ताकि हम इस जंगल से मुक्त हो सके। अब दोनों जादुई भूतिया लहंगे उस जंगल से मुक्त हो जाते हैं, जिसके बाद एक भूतिया लहंगा उसे सोना चांदी हीरे देता है तो दूसरा लहंगा उसको खाने के लिए तरह तरह के पकवान देता है, जिसे खाने के बाद सीमा और माया जादुई लहंगे की मदद से जंगल से बाहर निकल जाते हैं। जंगल से बाहर जाकर सीमा के पास जो भी सोने चांदी होता है उन्हें बेचकर वो एक घर लेती है और उस घर में उन दोनों जादुई भूतिया लहंगों के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है।